ये लो बिरजू, तुम्हारे एक किलो गाजर। बिरजू। अरे डॉक्टर साहब कैसे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तुम कैसे हो? बस एकदम फिट हूँ। डॉक्टर साहब घर पे आइए ना, एक कप चाय पीजिए। नहीं नहीं, मुझे अस्पताल जाना है बिरजू। एक कप प्लीज। अच्छा चलो आइए। देखा कैसी बस साफ। अरे बाप रे, ये क्या बदतमीजी है? शर्म नहीं आती सड़क पे कचरा फेंकते हुए? मैं कहता हूँ कौन है सामने आओ। ऐसे कोई नहीं आएगा। अरे चांदी का चमचा किसका गिरा है? चांदी का चमचा ये मेरा है। तेरा है? आइंदा ये कचरा म्युनिसिपैलिटी के डिब्बे में डालना और अंडे का पैसा उधर से लेना। चलो डॉक्टर। राजा वाकई तुम्हारे भाई का जवाब नहीं, क्या हासिल दिमागी पाई है। अब वो आदमी जिंदगी भर सड़क पे कचरा नहीं फेंकेगा और कभी अंडा भी नहीं खाएगा। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं गाजर का हलवा बना के लाता हूँ। अरे अरे सुनो, अरे बिरजू। अनबिलीवेबल, राजा यकीन नहीं आता, जिसे 15 साल पहले तुम मिन्नतें करके अस्पताल से लाए थे ये वही आदमी है। आज जो मैं इसमें परिवर्तन देख रहा हूँ, ये सब तुम्हारे प्यार तुम्हारी साधना का नतीजा है। वाकई बेटे कमाल कर दिया तुमने। कमाल तो मैंने किया राजा भैया, तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाया हूँ कि देखते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये देखो उसकी फोटो। क्यों है ना माल? साले ये लड़की ढूंढ के लाया मेरे लिए? ये लड़की ऐसे वैसे घराने की लड़की नहीं, वो बहुत उच्च खानदान की है। चल हट पागल, हमारे राजा का शादी किसी ऐसा वैसा लड़की से नहीं बल्कि किसी रानी से होगी। हाँ सच कहा काकी, भगवान ने मेरे लिए रानी तो बनाई है लेकिन न जाने अब वो कहाँ होगी। देखा नहीं चलते साहब के सारे कपड़े खराब कर दिए। गुस्सा नहीं करते भैया, गुस्सा नहीं करते, गरीब आदमी है गलती हो जाती है। जाओ बेटे जाओ अपना काम करो, जाओ 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 जाओ। सॉरी सर, गुस्सा नहीं करते। कमाल का आदमी है, उसके पूरे कपड़े खराब हो गए लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं आई। कौन है ये बंदा? अरे देवता पुरुष है, गुस्सा क्या होता है इन्हें अभी तक मालूम ही नहीं। बापू का दूसरा रूप है, लोग इन्हें शांतिपति कहकर बुलाते हैं। इसकी शांति तो मैं 2 मिनट में भंग कर सकती हूँ। रहने दो मधु, तुम सर पटक के मर जाओगी ना तो भी इसे गुस्सा नहीं आएगा। तो लगी शर्त, मैं बिना कुछ बुरा भला कहे इसकी वो हालत कर दूंगी कि अपने कपड़े फाड़ कर पागलों की तरह चिल्लाने लगेगा और यही मैनेजर इसे पागल खाने भिजवा देगा। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। अगर मैं ये कर दूं तो तुम अपना जूता अपने सर पे मारोगी। डन डन ओके। शांति पति भगवान की देन है। क्या है कि क्रोध को मैं बहुत दूर रखता हूँ अपने से। नमस्ते जी। नमस्ते सर, मुझे आपसे 2 मिनट जरूरी बात करनी है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी तशरीफ रखिए। ओह थैंक यू थैंक यू। जी बताइए बात क्या है? जी बात यह है कि पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे। भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए। मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं, मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं, निसंकोच होकर बताइए। ठीक है, बात यह है कि नहीं जाने दीजिए आपको गुस्सा आ जाएगा। देखिए बहन, मैं आपको बता चुका हूँ मुझे गुस्सा नहीं आता, आप अपनी बात मुझे बताइए। देखिए देखिए आपको थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आता बहन, आप प्लीज बताइए आपकी बात क्या है। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको
गुस्सा आ रहा है देखिए। भगवान कसम मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, प्लीज मेहरबानी करके आप अपनी बात बताइए। जाने दीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है। एक मिनट मैडम, एक मिनट आप रुकिए। राम प्रसाद मेरी सूरत देखकर बताओ मुझे गुस्सा आ रहा है? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा है। आपके माथे से पसीना टपक रहा है। क्या बात कर, आपकी आंखों में खून उतर आया है। आपके नाक के नथुने फूल रहे हैं और आपके मुंह से आग बरस रही है। और आप कह रहे हैं आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैनेजर, मैनेजर। यस सर। मेरे चेहरे पर तुझे गुस्सा नजर आ रहा है? आ रहा है। गुस्सा लगाइए, गुस्सा लगाइए। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। यार अकलू, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे चेहरे पे तुझे ये गुस्सा नजर आ रहा है? गुस्सा तो है। ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मुझे गुस्सा नहीं आता, बोल 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 बोल। अरे छोड़ दो, वो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, जान लो नहीं आता तेरी, बोल मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। चलिए मैडम, जूता उतारिए और अपने सर की शोभा बढ़ाइए। और आइंदा मुझसे शर्त मत लगाना। अरे चीख के इतना इतरा क्यों रही है? एक मौका मुझे भी दे अपना फन दिखाने का। अच्छा चल दिया। ये माचिस की डिब्बी देख रही है? इसे टेबल पे रख के मैं उछालूंगी और सीधा उस आदमी के कप में जाके गिरेगी। उस आदमी के? इम्पॉसिबल। तो लगी शर्त, अगर मैं जीत गई तो जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी? डन डन। अब जो मैं बोलूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, क्या करना होगा? इस रेस्टोरेंट में जो पहला मर्द आएगा उसे तुम्हें जाकर किस करना पड़ेगा। व्हाट? जी। कम ऑन यार, मस्ती मजाक तक ठीक है, दिस इज नॉट फेयर। शर्त लगाई है तो पूरी भी करनी पड़ेगी, वरना ये कह देगी ये डरपोक है। शर्त लगाई है तो पूरी करके दिखाऊंगी। चलो कमोटे। अरे क्या आंख बंद कर चिल्ला रही है पागल? बहुत लग रही है, पेट भर के खाऊंगा। ओह माय गॉड। अरे कहाँ चली, चमक चल लो। खैर कोई बात नहीं, मौसम है क्या क्या। जाइए मधुरानी, आपके वो आ गए। क्या बदतमीजी है? वो मैं शर्त हार गई थी, वो किस उन्हें करना था लेकिन आप बीच में आ गए, I'm sorry। देखिए मैडम, एक कुंवारी लड़की का जो पहला चुंबन होता है ना, वो होता है उसके महबूब के लिए, जिसे वो प्यार करती है, जिसे अपना दिल दे बैठी है, किसी राह चलते राहगीर के लिए नहीं, समझी? मधु, ए मधु, कहाँ खो गई? लगता है ये तो क्लीन गोल्ड हो गई। दीपा, मुझे मेरे सपनों का राजा मिला।